मैं कथा करके आऊंगी ना, गिफ्ट रेडी रहना चाहिए लास्ट टाइम की तरह। कपिल भाई के घर हम आ गए हैं, उनसे चाहे जितना मर्जी कहें कि हम भूखी नहीं है, अंदर इनके भी गुर्र गुर्र हो ही रहा है। क्यों दोस्तों, जितनी बताओ बताई है यार, इतनी हवा चल रही है कि दिए ही नहीं जल रहे। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। एंड जितनी भी प्यारी प्यारी लेडीज है, बीवियाँ हैं, भाभियाँ हैं, मम्मियाँ हैं, सबको हैप्पी करवा चौथ। और सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। रात को ही मैंने बोला था रूपा दीदी को, शीला को, रमोला को, मैंने बोला अगर मेरे साथ सरगी खानी है तो 4 बजे उठ जाना। और जैसे ही मैंने बाहर आकर लाइट जलाई, सबसे पहले भूखी नंबर 1 रूपा दीदी ने लाइट जले बोलती उठ गई दीदी। मैंने बोला हाँ उठ गई, बड़ा अच्छा लगा यार सब उठ के बैठे हुए हैं। तो मैं आपको सरगी भी बता देती हूँ, मेरे को 2 जगह से सरगी आती है, एक तो मेरी सास के घर से, दूसरी मेरी प्यारी भाभी गिन्नी भाभी यानी कि कपिल भाई के घर से। ये कपिल भाई के घर से सरगी आई है और ये मेरी सास की सरगी है, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और बस अब हम खाने का वेट कर रहे हैं, दूध में डाल के वो फेनिया भी खाएंगे और पराठा भी। आधे घंटे में ना खा लेना है बस। तो चलिए जी, मैं शीला के सर पे खड़ी हूँ, शीला मेरा पराठा, और मैंने पंखा चला दिया। oh, no. यार वो हर्ष भी सो रहा है और गोला भी सो रहा है, आगे चल के फिर गोला सोएगा, उसकी वाइफ जाग रही होगी। और है तेरी यही कहानी, पराठा देख के आ गया मुँह में पानी। भाई जो दूध हम गर्म कर रहे थे अपनी सिवैया के लिए वो फट गया है। सो गाइस, हमारी भी जिद है, मेरी नहीं इनकी जिद है कि हम, पता नहीं मुझे खिलाने के लिए ये लोग इतना कर रहे हैं या खुद खाने के लिए। दूध फट गया है जो हमारे पास था, और अब रूपा दीदी ने मुन्ना को फोन कर दिया है। आज सासू माँ घोड़े हाथी बंदर सब बेच के सोई है, फोन किए अभी तक मेरी सास ने फोन नहीं उठाया, नीचे रहते हैं। मुन्ना ने उठाया है और मुन्ना कहता कि मैं दूध चेक करता हूँ। मुन्ना ने बेचारा, मुन्ना पता नहीं उसने क्या किया है कि वो दिन रात काम ही करता रहता है। अभी वो लेकर आएगा दूध, और ये जो बैठी हैं, और ये हम वो सरगी खाएंगे। तो चलिए जी, मैं खाना खाने लगी हूँ, पराठा, मटर पनीर की सब्जी और आम का अचार। लोग कहते हैं पराठा नहीं खाना चाहिए आपको, सारा दिन प्यास लगती रहती है, और अगर मैं पराठा नहीं खाऊंगी तो मुझे सारा दिन भूख लगती रहेगी, इसीलिए खाऊंगी। A few moments later. How sweet यार, मुन्ना भैया दूध लेके आ गया सुबह 4 बजे। पता नहीं इसने कौन सी दुकान का ताला तोड़ा है, लेकिन ये अपनी मैडम के लिए दूध लेके आ गया। मुन्ना कहाँ से लेके आया दूध? मेडिकल। तू सो चुका था? मैं तो सोया था, मैं तो डर के मरी इतने रात को कौन बंद। इस वक्त कोई फोन करेगा तो कोई भी डर जाएगा, हालांकि मेरी सासू माँ को 19 फोन कर दिए हैं, वो सुबह डरेंगी, अब जब हम नींद में होंगे ना वो हमें करेंगी। सो यार, मुन्ना को मैं एक ही बात कहूंगी, गॉड ब्लेस यू, अच्छी बीवी मिले, अच्छी लड़की मिले, क्योंकि उसने आज एक सुहागन का व्रत पूरा किया है। मुन्ना भैया थैंक यू, मुन्ना भैया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाप सो जा, ए भूखी, ये भूखी। थैंक यू मुन्ना भैया, सुबह सुबह वो एक ही कॉल में आपने फोन उठा दिया। अरे यार यार, ये तो ऐसे लगा कि हम, मुन्ना भैया थैंक यू आपने, और मेरी सासू माँ ने 19 फोन नहीं उठाए। अब जो सुबह उठाएगी ना वो 7 बजे रूपा दीदी को, रूपा क्या हो, सूच है जे, क्या सूत है जे, है ना। सो फाइनली पूरा हो गया, और ये आधी रात को फोला फाली कर रही है, आधी रात को भी हमें आग लगी है कि भाई सोनिया खा के ही सोना, मुन्ना बेचारे को कम किया। तो चलो जी, बांसल स्वीट प्रीतम पूरा लोक विहार से आ चुकी है, थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू सो मच। ये लोक विहार में दुकान है बांसल स्वीट, प्योर देसी घी की है, आप लोग खाइए, ट्राई कीजिए, मज़े कीजिए। और हमने भी अपनी सरगी खा ली है, अब लम्बा लेट हो रहा है काम। ये टाइम देख रहे हैं दोस्तों, 5 बज रहे हैं पीछे। चलिए, ट्रक ड्राइवर तो लेट गए हैं, रमोला सबसे लंबी है और लेटी हुई इतनी लंबी लगती है भैया, ऐसे लगता है कि मेरे घर के नीचे किसने ट्रक लगाया और वो अंकल इधर सो रहे हैं।
गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गई हूँ। नहा नू तो सुबह ही लिया था। आज थोड़ा सा ना डाउन फील इसलिए हो रहा है कि आज सुबह से उठी हुई हूँ। जो 4 बजे उठ के खाना खाया, उसके बाद मैं फिर 6 बजे गोला उठ गया। तो वरना जब गोला नहीं होता था, मैं और हर्ष होते थे तो 10, 11, 12 बजे उठते थे। आधा दिन निकल जाता था, फिर करवा चौथ मना लेते थे। हेलो करवा चौथ। हाय। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। कोई गिफ्ट नहीं आज, खाली खाली करवा। खाली, एकदम खाली। ओके, थैंक यू, यही उम्मीद थी। मोस्ट वेलकम। तो चलिए जी, गिन्नी भाभी ने मेरे लिए नेल आर्ट से 2 लड़कियां भेजी हैं, तगड़ी तगड़ी मेरे जैसी, जो मेरा हाथ मरोड़ के मेरे नेल्स लगा दे। तो मैं करवा रही हूँ। हेलो हेलो, कैसे हो नेल आर्ट? सब ठीक है। करवा चौथ पे नेल्स क्यों लगवाती हो औरतें? मैंने पति के मुंह पे मारने के लिए मेहंदी, तो चलो ये होता है सुहाग की निशानी, नेल्स थोड़ी कोई सुहाग की निशानी। आपने व्रत नहीं रखे दोनों ने? शादी नहीं हुई। ओ, शादी नहीं हुई, हाउ लकी यार। चलो मैं करवाती हूँ। तो चलिए जी, मैं करवा चौथ के लिए रेडी हो गई हूँ। मेरा ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी जरूर ड्रेस, लेकिन उससे पहले मंगलसूत्र की बारी। आज मैं मंगलसूत्र खुद नहीं, हर्ष के हाथों पहनूंगी। तो वो तो बाहर है, पहनाते हैं, मतलब पहनते हैं उनके हाथ से। तो चलिए जी, मेन काम के लिए मैंने बुला लिया पति को। पति अच्छे से करी। अरे ये तो तेरा वो टूटा हुआ है। अबे टूटा हुआ, ऐसे गुंडी ऐसे डालते हो इसमें, अड़ा दे बस। हो गया भाई, हो गया, जा खुश रहे। इधर तो आ, हैप्पी करवा चौथ नहीं कहेगा मुझे? सुबह से 25 बार बोल चुका हूँ। मैं पप्पी नहीं कर सकती, मेरा व्रत टूट जाएगा। तो चलिए जी, मैं रेडी हो गई हूँ। आज नूर नहीं थी, आज सिद्धि ने मुझे रेडी किया है और विष्णु ने। और बस मैं जा रही हूँ कथा के लिए कपिल भाई के घर। गिन्नी भाभी वेट कर रही है, सब लोग तैयार हो गए होंगे, बस चलते हैं। और ये देखो। हाँ जी, कुछ नहीं, मैं कथा करके आऊंगी ना, गिफ्ट रेडी रहना चाहिए लास्ट टाइम की तरह, जैसे आईफोन था। ये चप्पल वापस रख दे। क्या ये क्या है? खोल के देख यार, मेरे हाथ में फोन है। करवा चौथ का गिफ्ट है ये भाई, ताकि ताना ना सुनाए भाई कोई। ये वही है जो हमने देखे थे, व्हाइट कलर के। वही वाले जूते। थैंक यू हर्ष, थैंक यू। मेरे को क्या कर रही है, मुझे कर अगर है तो। चलो जी, मैं रेडी होके निकल गई हूँ। मैं बड़ी खुश हूँ यार, अभी आते वक्त हर्ष ने मुझे बर्बरी की चप्पल दी, जो उस दिन मैं देखकर आई थी और मैंने ली नहीं थी। अचानक से उसने कब मंगा ली, वैसे इससे खाना नहीं मंगाया जाता एक किचन से किसी को आवाज देके, लेकिन ये बर्बरी एलवी के जूते पता नहीं कहाँ से लड़कियों के नंबर लेके आता है ये स्टोर से। तो इसका कलेश कल होगा। आज तो व्रत रखा, आज मैं प्यार करूंगी उसे। आंटी हाँ जी, फटाफट हैप्पी करवा चौथ। तैयार हो कथा के लिए? क्योंकि आज आपकी परफॉर्मेंस है, आज तुहाडी परफॉर्मेंस है। भरावा पानी ना ले आ साडे लागे। सो गाइस, हम सब रेडी हैं। इधर रिद्धि और रिद्धि की सास कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। रिद्धि और रिद्धि की सास, कौन सास है? तुम सास लग रही हो, वो बहू इतनी जवान लग रही है वो तुम्हारे सामने, समझी? अभी मेरी उम्र ही क्या है। और इधर देखो भाई, दीप्ति जी और गिन्नी जी और ये बच्चे और मैं, हमको सबको मतलब भूख नहीं लगी, सर दुख रहा प्यास से, है ना? तो अभी हम कथा सुनेंगे और फिर मैं तो घर आने से पहले सीधा इनके कुक को ही फोन कर दिया था। मैं क्या भाभी ने कहता चाय पियेंगे कि दूध, मैं क्या वाटरमेलन जूस, और वो वैसे भी मेरा फैन है, वो सजा सजू के लाएगा मेरे लिए। चलो करते हैं। तो हमारी करवा चौथ की पूजा हो गई है, अब गिन्नी भाभी हमको जाने नहीं दे रही, अब हम हाउसी खेलेंगे सब। वो बेचारी हमें पैसे भी दे रही है खेलने के लिए, तो देने ही पड़ेंगे फिर। हम तो घर जा रहे थे, कहती खेल लो। यार हाउ स्वीट यार। तो चलो जी, हम सारी चीजें हो गई है, हमने हाउसी खेली और कुछ लोगों ने काफी पैसे जीते हैं। हेलो दीदी, कैसे हो? नहीं मैंने नहीं जीते। अच्छा, 50 रुपए बस। 50 रुपए जीते? 50 रुपए भाई कितने होते हैं, 2 वड़ा पाव मिलते हैं 50 रुपए में। सो बस अभी, और मटर वाले चावल की खुशबू भी आ गई है, और मैं जब कहने गई कि दरवाजा बंद कर लो यार, खाने की खुशबू आ रही है, तभी मेरा ध्यान पड़ा कि पालक पनीर भी है। सो बस अभी वेट कर रहे हैं चांद का, और ये भी दोनों बच्चारी बैठी हुई हैं। मुंह से चाहे जितना मर्जी कहें कि हम भूखी नहीं हैं, अंदर इनके भी गुर्र गुर्र हो ही रहा है। क्यों दोस्तों, जितनी बताओ बता ही रही है। 1 hour later। चलिए जी, गुड न्यूज है, चांद आ गया है, हम तैयार है, हम जा रहे हैं चांद को देखने। मेरा चांद भी यहाँ पर आ गया है और बस। अरे आ नहीं रहे कोई, आप ऐसे मत सोचिए कि मुझे भूख लगी। चांद आए, 10 मिनट हो गए, अब हम जा रहे हैं।
सारी एनर्जी इसमें है, माँ को तो इतनी भूख लगी हुई है पर लिपस्टिक में डार्क हो गई है, नहीं है ये किसी सभी व्रत गजब बेइज्जती है। ये मुझे प्यार भी नहीं कर रहा आज, मैंने इसके लिए व्रत रखा है इसकी लंबी उम्र के लिए। ये है हमारा प्यार, ये है। बोले मम्मा किच्ची कर दो, बोले मम्मा किच्ची कर दो, मम्मा किच्ची कर दो, जल्दी जल्दी मम्मा किच्ची कर, चन मम्मा किच्ची, मम्मा किच्ची कर दो, मम्मा किच्ची कर दो, चन चन हवा बहुत है, अपनी अपनी उम्र बचाई जा रही है। आजा जल्दी भारती यार, इतनी हवा चल रही है कि दिए ही नहीं जल रहे। चांद निकल गया है भाई, बहुत ज्यादा दूर है पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। अरे नहीं। चलिए जी, करवा चौथ का डिनर भाभी ने लगा दिया हुआ, अब खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, भूख ही मर गई है दीदी। ये सिर्फ हम रिस्पेक्ट के लिए आए खाने की, वरना हम दोनों की भूख मर गई है सच्ची में। झूम के उतर चुके हैं मेरे, अरे मेरा है, मैं तो गले में कुछ नहीं पहने हुए, हल्के बहुत है इसीलिए पहने हुए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सच्चा प्यार तो यही मुझे करता है। शर्म कर हर्ष, पूरा दिन भूखी रही हूँ तेरे लिए। और इसने कुत्ते ने दो बार आके इसको चाटा और ये बोलता सच्चा प्यार यही करता नहीं, है। गाइस नहीं, ये हुआ कि इसने ना मुझे कभी ऐसे घर पे से जाते हुए देखा नहीं है, तो जब भी इसने जाते हुए देखा बड़ा रोया, फिर जब भी मैं आया ना तो मेरे को बड़ा प्यार कर रहा है, इसको लगा कि ये चला जाता। नहीं बेटा, नहीं बेटा, मेरा घर है, मैं तेरे को मेरे घर के पेपर दिखाऊंगा, इसमें है नाम है, तो डरना नहीं। तो चलिए गाइस, आज बहुत मजा आया, बहुत अच्छा करवा चौथ था। और जैसे पिछली बार हर्ष ने मुझे iPhone 15 था कि 14? हाँ? 14 दिया 14 था, वैसे इसने मुझे अभी एक चप्पल दी है जो मैं देख कर आई थी एक हफ्ते पहले। जो भी iPhone जितनी चप्पल है उससे तो अच्छा iPhone ले लेती, चप्पल से फोन करेगी। मैं करवा चौथ पे नाची नहीं हूँ, मैं नाचना चाहती हूँ भारती। अब ये है और ये है, इसको मैं रखूंगी थोड़ा यहाँ पर और अब नाचूंगी। नाचो चक्कर आ गए। चलिए गाइस, चक्कर आ गए, बच्चा बच्चा गया उधर, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं, हैप्पी करवा चौथ। हार वो खलासी एवो हाल नो प्रवासी, एवो खार वो खलासी एवो हार नो प्रवासी। कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट।